कैसा लगता है बहन, आपका जो लाइफ पार्टनर है, जो हमसफर है, जो शौहर है, जो साथी है, वो न सिर्फ ये कि एक बहुत नामवर आदमी हो और माशाल्लाह पैसा वैसा तो चले कमी बेशी होती है ज़िंदगी में, मगर बड़ी उसकी रिस्पेक्ट भी हो, कैसा महसूस होता है? माशाल्लाह से खुशकिस्मत समझती हूँ मैं अपने आप को कि इनकी वाइफ हूँ। He is very generous and kind-hearted. हाँ, ये वैसे बड़ी क्वालिटी है। हाँ, ये दुरुस्त कह रही है। He has a golden heart, माशाल्लाह। हाँ, बिल्कुल सही कह रही है। Great, wow। और ये पहली खातून है जो इस तरह से किसी जनाब टीवी पे एतराफ कर रही है कि मेरा शौहर बहुत अच्छा है, जेनरस है। सुभान अल्लाह। शाह जी, आज मुझे लगता है कि कुछ आप बहुत कमिटमेंट्स जो है ना, वादे लेके आए हैं। और कैसी बात है कि शाह जी, ये ऑलरेडी मेरे से पूछ रही थी क्या क्या क्वेश्चन हो गए, ये मुझे क्या बोलना है। मैंने कहा जो आगे से बात आएगी, जो क्वेश्चन होगा, जो दिल में आप बोलना, सही बात है, बिल्कुल ठीक बात। तो चले बहना, अब इजाजत होगी, जो दिल में है वो बोलें। ख्वातीन जो हैं वो ज़्यादा अमूमन ये तासुर है हमारे यहाँ भी ज़्यादा समझदार होती हैं घर के मामले में और चीज़ों के मामले में, ज़िंदगी के मामले में। मर्द ज़रा आम तौर पे लाओबाली होता है और यही वजह है कि ये जो जनरोसिटी जो है, ये मैं नहीं कहता कि लाओबालीपन की वजह से है, मगर अमूमन ख्वातीन को होता है कि भाई ठीक है करें, मगर चीज़ों का भी ख्याल रखें। वो तो कभी आप रोकती हैं इन्हें इससे, या खुश होती हैं कि ठीक है अच्छा काम कर रहे हैं और अल्लाह और देगा? जैसे शाह खर्चाएँ काफ़ी है तो कभी रोकती हूँ, लेकिन ठीक है बंदे को खर्च करना चाहिए। किसको देने से रोकती हैं? ऐसा कभी मैंने किसी को वैसे दिया नहीं फजूल। हाँ। मतलब ऐसे ही जब नहीं होता ना कि भाई फलाना शख्स जो है या फलाना सानू आज 5,000 दे के आज ना रोकिएगा। अच्छे काम में यूज करते हैं मदद करने के लिए किसी की। इनके क्रिकेट के बारे में होता है ना कि बाज़ ख़वातीन जो हैं, जो क्रिकेटर्स की जो अहलियाँ हैं, वो उनको बिल्कुल अंदाजा ही नहीं होता क्रिकेट का। आपको है कुछ थोड़ा? मुझे है। हाँ जी। तो इमरान आप जानती कि उनमें से हैं, ये जो एग्रेसिव बहुत ज्यादा काफी टिप्स देती थी उनको। हाँ जी, आहिस्ता खेला कर। अच्छा, हमें ये नहीं पता था कि कामयाब क्रिकेटर के पीछे भी खातून होती है। पीछे भी खातून कोच है। ये जो एग्रेशन है, ये जो एक इम्पल्सिव बिहेवियर तो खैर मैं नहीं कहूँगा, वो तो एक गेम है, मगर ये इनके मिजाज का हिस्सा है। जल्दी फैसला करते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं सब। हाँ जी, ठहराओ ठहराओ नहीं उस तरह। नहीं, बिल्कुल। अच्छा, नहीं। बेचैन तबीयत है जी बहुत ज्यादा। एक जगह आराम से बैठने गल्ला करते करते छाते चढ़ जाते हैं। आराम से मतलब बैठ नहीं सकते इधर, कभी एक रूम में कभी दूसरे रूम में। अच्छा, सम टाइम होता है कि जब घर जो वापस जाता हूँ तो डेफिनेटली बच्चों के रूम में भी जाके पहले देखता हूँ। आपका लाइफ पार्टनर आपकी वो एक हिस्सा होता है कि जो आपकी लाइफ को बड़ा इजी करता है, और इस चीज़ का मैं क्रेडिट अपनी बेगम को ज़रूर देता हूँ और देता रहूँगा, बिकॉज मेरा जो एक पीरियड था इंजरी का जो बड़े मुश्किल दिन 7-8 ईयर्स, उसमें समझ ले शाह जी के सलूट इस खातून को कि ऑनेस्टली उस वक्त मेरे हाथों में जान नहीं है, मेरे मजू टाइप था, तो वो जिस तरह फिर बच्चों की केयर करना डेफिनेटली अथॉराइटिस आपको पता है कि जो एक बिल्कुल आदमी है, कोई चीज़ नहीं था, वो तो उठा ही नहीं सकता था उस टाइम पे, जो इन्होंने बच्चों के जिस तरह लुक आफ्टर की, केयर की, तो वो मुझे खैर मिली एक बहुत ज़्यादा जो है ना बहुत मायने रखता है। मैं समझता हूँ कि आप भी और हम भी अपनी बहन के लिए क्या बात है, रिश्ते की बिल्कुल जी हाँ, ये और बड़ी हम्बल, और जिस तरह वो टाइम पीरियड इसने 7-8 बरस बहुत बहुत टाइम। मैं चाहूँगा आप एक ना सही वाला सलूट करते हैं ताकि रजिस्टर और शोहरों को आदत पड़े कि भाई बीवियों को छुपा। बेगम ने आपसे कहा नहीं कभी जब आपने ऐसा सलूट किया कि अब आप मुझे रुलाएंगे क्या? कभी भी ऐसा नहीं होता कि मेरी केयर ना करी हो, या बाहर भी होता हूँ तो फोन पे फोन, खाना खाया या अच्छा, देखो ये तो हर वाइफ में कितने फोन करती, फोन पे फोन नहीं, फोन मीन के पूछना खाना खा लिया या आप ये केयर ही है ना, या उस टाइम पे है किधर है, या आपने टैबलेट्स, उस टाइम पे टैबलेट्स बहुत ज्यादा थी मैं अच्छा, तो मुस्तकिल केयर करती थी। हाँ, तो वो पूछना दो काम हो जाते थे ना, आपकी केयर भी हो जाती थी, पता भी लग जाता था, पता भी लग जाता था कहाँ ये पीछे कौन खांस रही है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन चीजों से मैं शुक्र। अच्छा हाँ, इमरान का कभी वैसे स्कैंडल नहीं बना? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। कभी कभी आपको महसूस हुआ कि कहीं होता नहीं कि भाई कोई? नहीं, कोई भी नहीं कभी जिंदगी में, नहीं पता ही नहीं लगा। सिर्फ एक जगह पे जाते हैं ताश खेलने और दैट्स इट, बस ताश खेलने जाते हैं। हाँ जी। और ताश खेलने आपको पता है कि ताश ही खेल रहे हैं, कुछ और खेल रहे हैं?
नहीं मुझे पता है कि मेरे ही हैं कहीं भी ताश खेल रहे हो मेरे तो अपनी मोहब्बत पे भी यकीन है और अपने गुस्से पे भी यकीन होगा यकीन गुस्सा कौन करता है मोहब्बत पे गुस्सा नहीं करती गुस्सा बस थोड़ी बहुत ही बहस होती है ऐसे ज्यादा लंबी नहीं होती बच्चों पे ही होता है बस ऐसे कुछ भी आपकी बहस जो है दोनों की वो टी ट्वेंटी की तरह होती है वनडे की तरह बहस हुई है चले गए वापस आए हैं तो नॉर्मल उसके बाद यहाँ आए हैं इन्होंने मुझे देखा मैं इनको हम हंस पड़ते हैं मतलब रहा नहीं जाता ऐसे हंस पड़ते हैं एक दूसरे को देख मोस्टली अगर हमारी कोई बहस होती भी है तो वो एक बड़ा किस चीज पे बहस हो जाती है बच्चों पे ही ज्यादातर होती है बच्चों पे ज्यादा होती है कभी कभी बच्चों को डांट देती है तो फिर मुझे अच्छा ये डांटती सख्त मत नहीं तो अच्छा है ना अच्छा है मुझे मुझे खुशी होती है देखो बच्चों की आपने जब केयर करी थी मां बाप स्पेशली स्टडी पे तो मैं कहता हूँ यार चल थोड़ा आराम ही ले लें दे केड़ा कोई होता है उन्होंने ही साढ़े बड़े और आजकल की स्टडी ईशा जी यू नो के ह्यूज बहुत हां बहुत बड़े और बहुत हार्ड वर्क और वो ईशा जी बच्चे का जिड्डा बस्ता होता है लगता अमेरिका का फौजी मैं चाहता हूँ कि मैं खुद तो खैर उतना पढ़ा नहीं हूँ क्योंकि उस टाइम पे मैंने क्रिकेट को फोकस किया और उसमें अपना वो कहते हैं ना जो एक एम था मैंने हासिल किया नो डाउट कि आज मेरी जिंदगी का तजुर्बा है माशाल्लाह बिल्कुल बिल्कुल और स्टडी फर्स्ट और देन उसके बाद एक ही ख्वाहिश ये आपकी पहली मोहब्बत थी पहली और आखिरी इससे पहले भी कोई आपकी जिंदगी में नहीं नहीं शाहजी देखें कभी कभी किसी ने सुना हो या कभी ऐसा कोई पसंद भी नहीं आया था कभी इससे पहले आपको नहीं देखो एज ए स्टार आप कह सकते हो कि यार बहुत सारी दुनिया आपको फेस करनी पड़ती है अच्छा। लेकिन डिपेंड्स होती है इससे पहले किस किस को फेस किया आपने नहीं मैंने बड़ी दुनिया को फेस किया लेकिन कभी ऐसा नहीं कि कोई बंदा कहे कि यार बस मैं मार ही गया ऐसा कुछ लेकिन फेस किया क्यों क्योंकि मेरा एक फोकस था बस क्रिकेट मेरा ख्याल है कि अराउंड आफ्टर क्रिकेट 10-12 ईयर्स जब मैं खेली 8-10 साल जब मैंने खेली फिर ये मैडम आए या फिर उसके जब जाने का नाम 8-10 साल के बाद जाने का नाम ही नहीं लिया और अच्छे क्या कह दे नहीं 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 आज ये तो आपने बोल दिया ना उनके लिए मैंने उसके पास फिर कभी गई ही बच्चे ने ढूंढ भी चला रहा लग रहे नहीं कि तो आज इमरान नजीर को खाना न मिला घर पे 8-10 साल का करियर आपका हो चुका था आप स्टार थे तब ये बहन आपकी जिंदगी में आई और आपने शादी कर ली उससे पहले आपकी जिंदगी में कोई नहीं था नहीं नहीं और पसंद भी कोई नहीं था मैं कहता हूँ शाहजी क्रिकेट में इतना मगन था कभी इन चीजों की वो बॉल ही आपको मधुबाला लगती थी वही मधुबाला ही वही बल्ले को खाते लग रहे अब ये बताइए कि मुलाकात कैसी हुई आप दोनों की ऐसे एक्चुअली हमारे एक फैमिली फ्रेंड कह लें अजहर जाहिद साहब एक्स मैनेजर भी रहे पाकिस्तान टीम के अच्छा तो उधर हम आना जाना था तो इनकी बड़ी सिस्टर उनके बेटे के साथ उनकी शादी हुई अच्छा अच्छा तो